नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी मैं रिमोट वाली ट्रॉली का पूरा ओवरव्यू देना चाहूँगा। ये अभी जो अपना रिमोट वाला पीस जो रेडी हुआ था, ये अपना महाराजा एंट्री ट्रॉली पे रेडी हुआ है। चलिए, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं अपनी गोडाउन की लोकेशन बताना चाहूँगा। ये अपना दिल्ली बॉर्डर पे आता है, ये लोनी गाजियाबाद लगता है अपना। और जैसे कि अगर पार्टी पैन इंडिया से यानी कि ऑल ओवर इंडिया से आती है, तो जो उनके नियरेस्ट स्टेशन रहेंगे अपना नई दिल्ली पुरानी दिल्ली है। वहाँ से अपना जो गोडाउन की लोकेशन है अराउंड 12 किलोमीटर है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और एड्रेस दोनों मेंशन है, वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जस्ट अपनी महाराजा एंट्री का मैं क्लाइंट आए थे, तो मैंने आज उनको ट्रायल भी कराया था। ये अपना मल्टी कलर में अपना बैक पैनल हैगा, आप ये देख सकते हैं। विंडो भी हमने सेम मल्टी कलर में रखी है। और ये अपने जो सोफा देख सकते हैं, ये भी रेड कलर में काफी अच्छी फिनिशिंग आ रखी है। और इस पे नीचे अपना ग्रीन वाला शेड आ रखा है, देन उस पे हमने गोल्डन पेंट किया है। चलिए ट्रॉली के साइज की बात करते हैं। ट्रॉली का जो साइज है अपना 5-6 का साइज रखा हुआ है, स्टैंडर्ड साइज है, ताकि एक कॉम्पैक्ट साइज की बात की जाती है। पार्टी को लोडिंग और अनलोडिंग में कोई समस्या ना है। बाकी इसकी जो रिवॉल्विंग है अपनी 4x4 की है। चलिए अभी से मैं ऑपरेट करके दिखाता हूँ आपको। ये जस्ट मैं अभी रिमोट ऑन किया है। मैं रिवॉल्विंग पोर्शन को दिखाना चाहूंगा पहले आपको। काफी स्मूथ है रिवॉल्विंग इसकी, ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट है। मैंने सिंगल चैनल पे इसे यूज किया हुआ है। इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का दोनों ही ऑप्शन है। अभी जस्ट मैंने इसे रोका है, तो अब इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा हूँ। और ये सिर्फ ओनली 12 वोल्ट की बैटरी पे ऑपरेट हो रहा। चलिए अब मैं इसको अब स्टॉप करता हूँ। ये तो हो गई अपनी रिवॉल्विंग की बात। ये मैंने अभी आपको रिवॉल्विंग अपना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करके दिखाया। आप इसकी ट्रॉली की मूवमेंट दिखाता हूँ मैं। ये अपने जो जॉयस्टिक रहती है रिमोट में, जैसे से मैं अप करूंगा ये अपना फॉरवर्ड होता है, जैसे मैं इसे डाउन करता हूँ अपना रिवर्स आ जाएगा। रिवर्स देख सकते हैं अपना, अब रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। अगर इसको मैं लेफ्ट राइट करना चाहूँ, ये लेफ्ट राइट हो सकता है इजीली। देखिए काफी स्मूथली ये अपना लेफ्ट राइट पे मूवमेंट ले रहा है। ये तो हो गया इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू, जैसे कि अपना रिवर्स करना है या फॉरवर्ड करना है, लेफ्ट राइट करना है, रिवॉल्विंग करना है। ओनली आप रिमोट से भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इवन इसकी जो लाइटिंग का पोर्शन है, आप इसी की लाइट होती है, इसमें लाइट भी लगी हुई है। एक्चुअल क्या था, टाइम नहीं था तो इसकी ऊपर की लाइट नहीं लग पाई। बाकी मैं इसको बैठ के आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। यानी कि दो जन इस पर आराम से सिट बैठ सकते हैं, यानी कि ब्राइड गॉम की बात करें काफी इजिली हो सकता है। अब इसे मैं वेट भी डल चुका है। अब मैं इसको आगे की तरफ देखिए फॉरवर्ड कर रहा हूं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। यानी कि जैसे हमें शादी ब्याह के मौसम टाइम में जैसे अपनी ट्रॉली को मूवमेंट चाहिए होती है, यानी कि हल्की चाल चाहिए होती है, उसी हिसाब से ये अपना आगे हो रहा है। अब इसे मैं रिवर्स करूंगा। रिवर्स देखिए, रिवर्स काफी स्मूथली हो रहा है। अभी मैंने जो इसको रिवर्स फॉरवर्ड करके दिखाया, ये हो रिवॉल्विंग करता हूँ, तो आप इसकी रिवॉल्विंग देखिए। इस बार सामने से एक बार शूट करो। अब इसको मैं रिवॉल्विंग की इसकी मूवमेंट ले रहा हूँ, आप रिवॉल्विंग देख सकते हैं काफी स्मूथली चल रहा है। जैसे मैंने आपको नीचे भी दिखाया था, इसकी जो रिवॉल्विंग है अपनी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चलती है। ये तो हो गया अपना क्लॉकवाइज। अब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता हूँ। अब
आप इसे दोनों डायरेक्शन पे मूवमेंट कर सकते हैं, बहुत काफी इजी है। देखा दोस्तों, मैंने इसे पूरा का पूरा रिमोट से ऑपरेट किया है और काफी इजीली ये मूवमेंट भी ले रहा है। चलिए अब मैं इसको इसकी डेकोरेशन की बात करना चाहूंगा। अभी साइड में एक्चुअल क्या सीटें नहीं लगी थी, तो हमने सिर्फ एक गोल्डन शीटें लगाई हैं इस पे। चलिए अब इसके अलावा मैं आपको और आइटम दिखा देता हूँ जो अपने पास है। और इसमें एक और चीज़ है, आप चाहे जहाँ पे रिवॉल्विंग को रोकना चाहते हैं तो वहाँ पे आप रोक सकते हैं। चलिए जी, ये अपना रिमोट वाला तो हो गया, ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप गोडाउन में और भी दे सकते हैं, अपने क्राउन वाली एंट्री होगी, ये पद्मावत खड़ी है, और इसके अपार्ट अब बैक साइड पे आ सकते हैं आप। बैक साइड पे अपनी विंग्स वाली एंट्री रखी हुई है, ये अपनी विंग्स वाले पीस आएगा। जैसे कि देखते हैं पीछे भी एक महाराजा एंट्री का पीस रखा हुआ है। जैसे काफी ट्रेंडिंग पीस है, तो काफी सारे आइटम हमारे पास अवेलेबल है और तीन चार पीस अपने पास हमेशा रेडी रहते हैं। आप गोडाउन में देख सकते हैं, ये अपना विंग्स हो गया पीछे महाराजा, और इधर भी देख सकते हैं, इधर भी पीस अपने पास रेडी रखेगा। अगर जैसे कोई पार्टी हमें सेम डे पे भी ऑर्डर करती है, ऑर्डर प्लेस करेगी, तो हम सेम डे पे भी उनको दे सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन पे मेरा एड्रेस और नंबर दोनों मेंशन है, आप मुझे कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं, इवन आप गोडाउन में विजिट करके भी क्वालिटी और सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। कलर वाइज भी अगर उन्हें किस तरह का कलर चाहिए वो भी अपने पास अवेलेबल है। पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा उन्हें कलर कॉम्बिनेशन किस हिसाब से चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।